हेलो स्टूडेंट्स, जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिशन फॉर्म्स आ चुके हैं फॉर द ईयर 2024। तो जो भी बच्चे जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंट। जामिया में कुछ कोर्सेज में एडमिशन इट इज ऑन द बेस ऑफ द जेई स्कोर, कुछ कोर्सेज में एडमिशन इट इज बेस्ड ऑन द नीट स्कोर, कुछ कोर्सेज के लिए जामिया अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराएगा और कुछ कोर्सेज के लिए जो सीयूटी का स्कोर है उसको लिया जाएगा। सो देखते हैं किन कोर्सेज में एडमिशन जो है वो कैसे कैसे होगा और कौन कौन से बैचलर्स कोर्सेज है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो जो फॉर्म है वो 20 तारीख से ओपन हो गए हैं, आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की वो है मार्च 30, मींस 20 फरवरी से लेकर और 30 मार्च के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एडिटिंग विंडो है फॉर्म की वो ओपन होगी 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है सो आप इन डेट्स के बीच में जो फॉर्म है उसको एडिटिंग कर सकते हैं। एडमिट कार्ड इशू होगा 15 अप्रैल को, एंट्रेंस एग्जाम होगा 25 अप्रैल को। सो ये टेंटेटिव शेड्यूल है एग्जामिनेशन का। कुछ खास बातें जो जामिया के बारे में है वो देख लेते हैं। करीब 1.25 लाख एप्लीकेशन आती है हर साल जामिया में एडमिशन के लिए और वहां से जो सीट्स हैं करीब 6700 सीट्स हैं, 6700 सीट पे एडमिशन होता है हर साल और 1.25 लाख आती हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस। इसके अलावा जो बहुत फेमस है दैट इज RCA, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ऑफ जामिया, इस यहाँ पर जो सिविल सर्विस है उसकी तैयारी कराई जाती है हर साल। यहाँ से काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं दे गेट सेलेक्टेड इन UPSC एंड अदर स्टेट सर्विसेज। लास्ट ईयर भी यहाँ पर 23 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब देखते हैं जामिया में कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जहां पर आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। सो प्रोग्राम तो काफी सारे हैं, हम जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है उसके बारे में देखते हैं। सो एक तो प्रोग्राम है BA इंग्लिश ऑनर्स, इस सेट में मिल जाएगा आपको कोर्स और यहाँ मिल जाएंगी डेट जिस डेट को एंट्रेंस होगा। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है वो नीचे लिखी हुई मिल जाएगी आपको, तो हम सारे प्रोग्राम्स में इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। सो 6 मई को होगा इसका एंट्रेंस फॉर द BA इंग्लिश और 12th पास होना चाहिए आपको इसके लिए। नेक्स्ट इज बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट एंड BBSC फूड प्रोडक्शन वोकेशनल कोर्स। सो होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म एंड ट्रेवल इनके लिए जो एग्जाम होगा वो 7 तारीख को होगा, यहाँ पर आप देखते चल सकते हैं। एलिजिबिलिटी है इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए विद एनी स्ट्रीम। इसके अलावा कई सारी BA प्रोग्राम्स भी हैं, ये लिस्ट आप देख सकते हैं BA प्रोग्राम्स की। BA इकॉनर्स, इसमें जो सिलेक्शन होगा इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द CUET स्कोर, मगर फॉर्म आपको फिल करना है जामिया का और CUET एग्जाम भी देना है, उसके बेस पे एडमिशन होंगे। BBA BCOM इनका अलग से एग्जाम होगा जामिया में, 4 तारीख को होगा एग्जाम 4 मई को। एलिजिबिलिटी है इसके 12th पास विद 50% मार्क्स। नेक्स्ट मिल जाएगा आपको BA सोशियोलॉजी, BA साइकोलॉजी और BA BSC ज्योग्राफी, एग्जाम अलग से होगा इसमें, 11 मई को एग्जाम होगा। एलिजिबिलिटी इसकी वही है 12th पास सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ये कुछ और BA प्रोग्राम्स हैं, इसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। साइंस के प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, तो BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथमेटिक्स और BSc अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एडमिशन विल बी ऑन द बेस ऑफ द CUET स्कोर। जो BSc मैथमेटिक्स है उसमें जामिया अपना अलग से एग्जाम लेगा और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स इसमें CUET का स्कोर यूज किया जाएगा फॉर एडमिशन। BSc बायोसाइंसेस, BSc लाइफ साइंसेस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन और BSc बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी में तो एडमिशन होने वाला है ऑन द बेस ऑफ द CUET स्कोर। इसके अलावा बाकी के जो ऊपर 2 कोर्सेज हैं इसमें जामिया अपना एग्जाम लेगा अलग से, डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके सामने किस किस डेट को होंगे एडमिशन। इसके अलावा जो बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स है, अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, स्क्रिप्चर और आर्ट एजुकेशन, इनमें भी अलग अलग डेट पे अलग अलग एग्जाम होंगे। सो आप देख सकते हैं किस किस डेट पे कौन कौन से एग्जाम होंगे किस किस सब्जेक्ट के लिए। जो इसमें काफी अच्छा कोर्स आता है दैट इज BSc इन एरोनॉटिकल साइंस, मैकेनिकल और एवियोनिक्स, 2 ब्रांच में अवेलेबल है ये। अलग से एग्जाम होगा इसका 26 मई को एग्जाम होगा 11:30 से 1 बजे के बीच में। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, आपने अपना +2 पास किया हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एरोनॉटिकल इन सबसे तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारी ब्रांचेस में जो बीटेक है वो भी अवेलेबल है यहाँ पर, सो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ECE, मैकेनिकल, CSE, डेटा साइंस, इन सब ब्रांचेस में जो बीटेक है वो अवेलेबल है और इसमें जो एडमिशन होगा इट विल बी ऑन द बेस ऑफ द JEE मेन स्कोर। सो जामिया का फॉर्म तो फिल करना है और JEE की रैंक जो है उसके अकॉर्डिंग होगी एडमिशन। सो प्रोसीजर क्या रहने वाला है यहाँ पर एडमिशन के लिए, तो कैंडिडेट मस्ट टेक द JEE एग्जाम, मीन JEE मेन एग्जाम देना है। इसके अलावा फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म एट जामिया वेबसाइट, जामिया की जो साइट है अभी जो फॉर्म आ रखे हैं उनको फॉर्म को फिल करना है, उसमें अपना जो JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करना है, उसके बेस पे एक रैंक लिस्ट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग जो सीट अलॉटमेंट है वो होगा। और सभी बीटेक कोर्सेज में आपने अपना +2 पास किया हो साइंस स्ट्रीम के साथ विद 55% मार्क्स एंड PCM एज सब्जेक्ट, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। सो एडमिशन जो होंगे इसमें इट विल बी ऑन द बेस ऑफ द नीट 2024 स्कोर। जो MCC की काउंसलिंग होगी उसके थ्रू होंगे एडमिशन इसमें। नो नीड टू फिल द JMI एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली, मीन्स इसमें आपको फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, जो MCC की काउंसलिंग होगी उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन होंगे। सो सिर्फ BDS कोर्स में ही आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, बाकी सारे कोर्सेज के लिए आपको जामिया का फॉर्म भी फिल करना है, प्लस साथ में जो दूसरे एग्जाम होंगे लाइक CUET या JEE वो तो देना ही है आपको। जो BRK है, जिन लोगों ने नाटा दिया है
फॉर 2024 वो लोग इसमें ले सकते हैं एडमिशन। प्रोसीजर क्या रहने वाला है इसमें, सो आपने नाटा का जो एंट्रेंस है वो दिया हो, इसके अलावा आपको जाने का फॉर्म फिल करना है, नाटा का जो एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करना है, उसके बेस पे बनेगी लिस्ट और उसके बेस पे जो एडमिशन है वो होंगे। नेक्स्ट आते हैं फिजियोथेरेपी। सो बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, इसके लिए जामिया अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराएगा और 8 मई को होंगे एग्जाम। आपने अपना प्लस टू पास किया हो विथ पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट कोर्स इज लॉ, दैट इज BA LLB। सो इसके लिए एग्जाम अपना अलग से कंडक्ट कराएगी जामिया। 11 मई को एग्जाम होगा 10 से 12 के बीच में। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसके लिए, पास इन द क्लास 12th विद एनी स्ट्रीम, मीन्स आपने किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ कोर्सेज देख सकते हैं आप, BA हिंदी, BA संस्कृत, BVOC मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, BVOC मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। हिंदी और संस्कृत में तो CUET का स्कोर यूज किया जाएगा, बाकी जो BVOC है उसके लिए एग्जाम अलग से होंगे। तो अभी हमने जो प्रोग्राम्स देखे, चलिए देखते हैं इनकी फीस कितनी कितनी है जामिया में। सो जामिया क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फीस आपको यहाँ मिलने वाली है काफी कम, तो चलिए देख लेते हैं किस किस प्रोग्राम में कितनी कितनी फीस है। सो BA इंग्लिश ऑनर्स, इसमें देख सकते हैं आप टोटल 60 सीटें हैं और 7,200 रुपये फीस है पर ईयर। BA हिंदी और BA मास मीडिया दोनों में 40-40 सीटें हैं और 7200 रुपये फीस है। BA हिस्ट्री 60 सीटें हैं, 7200 रुपये फीस है। BBA में 44 सीटें हैं और 13,325 रुपये फीस है इसकी। BCOM 55-55 सीटें हैं, गवर्नमेंट की और सेल्फ फाइनेंस दो हैं इसमें, तो गवर्नमेंट वाली जो सीट है उसमें तो 7,400 रुपये फीस है और जो सेल्फ फाइनेंस है उसमें 28,000 रुपये फीस है। BA इको ऑनर्स 53 सीटें हैं और 7,400 रुपये फीस है। इसके अलावा BA सोशल वर्क आप देख सकते हैं, सेम फीस 40 सीटें हैं। सोशियोलॉजी सेम फीस 42 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस 42 सीटें हैं, सेम फीस 7,400। साइकोलॉजी के लिए 42 सीट्स हैं और 10,500 रुपये फीस है। BSc केमिस्ट्री 60 सीटें हैं और 7,800 रुपये फीस है। BA BSc ज्योग्राफी 60 सीटें, 7,800 रुपये फीस है। मैथमेटिक्स के लिए 45-45 सीटें हैं और 7,800 रुपये फीस है। BSc फिजिक्स, इनके लिए 7,800 रुपये फीस है, 50 सीटें हैं। BSc बायोसाइंसेस 40 सीटें हैं, 7,800 रुपये फीस है। BSc बायोटेक्नोलॉजी 40 सीटें हैं, 8,000 रुपये फीस है पर ईयर। जो बीटेक प्रोग्राम्स मिलेंगे आपको जामिया में, तो उसमें सभी में 70-70 सीटें हैं और आपको फीस मिलेगी 16,150 रुपये। मीन्स बीटेक प्रोग्राम की फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एटलीस्ट 1.5 से 3 लाख के बीच में होती है फीस, और यहाँ पर आपको 16,000 रुपये में बीटेक करने को मिल रही है पर ईयर। मीन्स अगर आप 4 साल का भी जोड़ लेंगे तो करीब 64,000 रुपये में जो आपकी पूरी बीटेक है वो हो जाने वाली है, प्लस साथ में और भी खर्चे वगैरह होंगे, मगर फिर भी जो फीस है वो काफी कम लग रही है एज कम्पेयर टू द अदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इसके अलावा जो सेल्फ फाइनेंस बीटेक प्रोग्राम है उसमें फीस है 1.5 लाख रुपये पर ईयर। BSc एरोनॉटिक्स, इसमें फीस है 1.5 लाख रुपये क्योंकि सेल्फ फाइनेंस है तो फीस आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा अगर आप 10th के बाद यहाँ पर लेना चाहते हैं एडमिशन, तो जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वहां पर भी ले सकते हैं। सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, इनमें सीटें अवेलेबल है। 8,900 रुपये करीब फीस है और टोटल 360 सीटें मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ सेल्फ फाइनेंस सीटें भी हैं जहां पर फीस जो है 27,000 रुपये मिलेगी आपको। सो 10th के बाद भी आप यहां पर ले सकते हैं एडमिशन इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। जो BSc एरोनॉटिक्स है उसमें जो सीट ब्रेकअप है, और देख सकते हैं कि रिजर्वेशन जो है कितना कितना है और किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं। इसके अलावा जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी BSc एरोनॉटिक्स में, उसमें जो फीस है वो एक्स्ट्रा चार्ज की जाएगी, तो यहां पर आप देख सकते हैं 10,000 रुपये की ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए फीस लगेगी। लॉ के लिए अगर फीस देखें तो BA LLB जो प्रोग्राम है, BA LLB के लिए 15,000 रुपये फीस है गवर्नमेंट सीट्स के लिए और 50,000 है फॉर द सेल्फ फाइनेंस। आर्किटेक्चर की फीस 16,000 रुपये है और सेल्फ फाइनेंस आर्किटेक्चर की फीस 85,000 रुपये है। जो बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स है, तो बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स में देख सकते हैं फीस 12,550 रुपये फीस मिलेगी आपको, और सीटें आप इसकी देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स मिल जाएंगी आपको। BDS 50 सीटें हैं यहाँ पर, 5 साल का कोर्स रहने वाला है और 39,925 रुपये, मीन्स करीब 40,000 रुपये फीस लगेगी आपको BDS की यहाँ पर ईयर। इसके अलावा 8,500 रुपये लगेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, 1,000 रुपये का हॉस्पिटल एफिलिएशन फीस है और कुछ कुछ फीस अलग अलग से होगी। जो बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट है सेल्फ फाइनेंस वाले या टूरिज्म एंड ट्रेवल है, उसमें 40-40 सीटें हैं और 35,000 रुपये और 30,000 रुपये फीस मिलेगी आपको। बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी 40 सीटें हैं, 21,800 रुपये फीस है, 4.5 साल का कोर्स होने वाला है, BVOC के लिए देख सकते हैं आप। BSc लाइफ साइंसेज 40 सीटें हैं, 19,825 रुपये फीस है। सो ये थी जानकारी अबाउट द प्रोग्राम्स दैट इज ऑफर्ड बाय द जामिया मिलिया इस्लामिया। एंड सिंस इट इज अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, सो यहाँ पर जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन है 30% रिजर्वेशन फॉर द बॉयज एंड 10% रिजर्वेशन फॉर द गर्ल्स। इसके अलावा अगर यहाँ से बीटेक करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है, कम फीस में आपको यहाँ पर बीटेक करने को मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी जो दूसरे प्रोग्राम्स भी हैं, फीस जो है काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। तो अगर आपको भी बीटेक, BDS, BPT या जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उसमें लेना है एडमिशन, जो भी आपके चॉइस के प्रोग्राम है, सो आप जामिया का फॉर्म भर सकते हैं। जो फॉर्म की फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 700 रुपये कुछ प्रोग्राम्स के लिए, और कुछ प्रोग्राम्स के लिए फीस जो है वो 650 रुपये के अराउंड है। सो फॉर्म भी कुछ महंगा नहीं है, सो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और ले सकते हैं एडमिशन जामिया में।
ऐसे ही इंडिया के अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ओपनिंग जानने के लिए सब्सक्राइब करें था ब्लू रिपोर्टेंट को, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एडमिशन सीजन ऑन है तो किस किस इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन है वो ओपन है, सब चैनल पर जाके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कि किस किस स्टेट में एडमिशन जो है ओपन है, वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं और एक अपने कैरियर के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए इंस्टीट्यूट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।